हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करेंगे इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, आज के समय में कोरोना वायरस ने सारे संसार में कोहराम मचाया हुआ है, और इससे कौन बच सकता है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है। अब देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है, आज मैं आपको ये बताती हूँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी क्या होती है, कि हमारे शरीर में जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए एंटीडोट तैयार करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को कुछ कीटाणुओं की ज़रूरत होती है, और आवश्यक कीटाणुओं को बनाने में ये हमारे शरीर की मदद करती है। तो ये होती है इम्यूनिटी। अब इसे आप बूस्ट कैसे करेंगे, इसको, इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ एक काढ़े बताऊंगी, जिसे लेकर के आपकी आज के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी यदि आप समय समय पर इन्हें लेते रहें। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहली जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में भी बताई हुई हैं। दूसरा, अगर आप बाज़ार से सैनिटाइज़र ना ख़रीदना चाहें तो घर पे सैनिटाइज़र कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और तीसरी चीज़, आप घर पर ही सैनिटाइज़ किया हुआ मास्क कैसे बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ, इन सारी चीज़ों पर वीडियो में पहले ही बना चुकी हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करेंगे सिर्फ दो चीज़ों की मदद से। देखिए, ये आपको एक तो खाली पेट लेनी है, और दूसरी चीज़, इस काढ़े को लेने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस काढ़े को बनाने के लिए 2 ग्लास पानी लेना है, 5 से 6 पत्ते तुलसी के लेने हैं, और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है, और इन्हें इतना पकाना है कि ये 1 ग्लास रह जाए, और जब ये 1 ग्लास रह जाए तब आपको इसे छान के ठंडा करके, और फिर उसके बाद इसमें नींबू और शहद दोनों चीज़ मिला के और आप पी लीजिए। इससे आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कोई भी यदि रोग आपको होता भी है, खांसी है, जुखाम, बुखार, या फिर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ ही आप गोल्डन मिल्क का भी यूज़ करेंगे तो भी कोरोना वायरस से लड़ने में आपकी मदद होगी। अब आप ये गोल्डन मिल्क बनाएंगे कैसे, 1 ग्लास दूध लेंगे, उसमें 1/2 ग्लास पानी मिलाएंगे, और उसे अच्छे से उबाल लेंगे, इतना अच्छे से कि वो 1 ग्लास रह जाए। फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ कूट कर डाल देंगे, और उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज़ हल्दी में पाई जाती हैं जिससे कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए गोल्डन मिल्क भी ले सकते हैं। इस काढ़े के साथ ही मैं आपको एक आयुर्वेदिक दवाई बताती हूँ जिसका नाम गिलोय सत्व है। यह आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं। सबसे अच्छी बात इस दवाई की ये है कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, और इसका नाम है गिलोय सत्व। गिलोय सत्व को जवान हो, बुज़ुर्ग हो या बच्चा हो, सभी इसका सेवन कर सकते हैं। कैसे करना है, सुबह और शाम पानी के साथ लेनी है। इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। मात्रा कितनी लेनी है, और जो चने की दाल होती है उसके दाने के बराबर इसकी मात्रा लेनी है, और नॉर्मल पानी से इस दवाई को ले लीजिए सुबह और शाम। आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपको जल्दी से कोई भी रोग नहीं होगा। गिलोय की बेल भी आती है, और गिलोय
पंसारे की दुकान पर भी मिलता है। इसको आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप पंसारे की दुकान से गिलोय लाकर करें, या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से गिलोय सत्व लेके आएं, या फिर ताज़ा गिलोय का सेवन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर जरूर करें।